जनपद जालौन के जालौन कोतवाली क्षेत्र में स्थित 132 केवीए उपकेंद्र में आग लगने के बाद से बूंद बूंद पानी और बिजली के लिए तरस रही जनता को राहत देने के लिए प्रशासनिक अधिकारी आगे आए। जालौन नगर में पहली बार 5 बड़े जनरेटरों की मदद से ट्यूबवेल किए जा रहे चालू ताकि पानी मिल सके। 13 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वैकल्पिक व्यवस्था विद्युत सप्लाई की जा रही है। जिला पंचायत विभाग से मंगवाए गए आधा दर्जन पानी के टैंकर। इरफान पठान की रिपोर्ट। सर, नगर जालौन इस समय बिजली और पानी की समस्याओं से जूझ रहा है, ऐसे में जल संस्थान की ओर से नगर में पानी की सप्लाई के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई और कैसे पानी दिया जाएगा? जल संस्थान की ओर से कल रात में 4 जनरेटर मंगवाए गए हैं 3 फेज के, जिनसे अपने 5 ट्यूबवेल इस समय चालू हो चुके हैं रात में, और उससे अपनी टंकी भरी जा रही है। उससे नगर की जलापूर्ति को शीघ्र से शीघ्र सुचारू करने की व्यवस्था की जा रही है।